आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर जो है माहौल गर्मा गर्मी का बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को बता रहे हैं कि एक तरफ जय जय श्री राम के नारे और दूसरी तरफ हालेलुया के नारे लगते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ आपको हिंदू समाज के लोग और दूसरी तरफ आपको जो है क्रिश्चियन समाज के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद नजर आते हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहाँ पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल आप सभी को नजर आ रहा है। ये गांधीनगर का इलाका है। नमस्कार, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर सर। आप सभी को बता दें इस समय मौजूद है हम लोग गांधीनगर इलाके के थाने में। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ है आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन को लेके आज हिंदू समाज के लोग जो है गांधीनगर थाने में एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, क्या कुछ है इस समय आप मौजूद हैं गांधीनगर थाने में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पिछले कुछ दिनों से जो ईसाई मशीनरी द्वारा हमारे हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के कार्य चल रहे हैं, पीछे 3-4 महीने पहले भी हमारे संगठन के माध्यम से कुछ स्कूलों को पकड़ा गया जिसमें छोटे छोटे बच्चों को बाइबल की शिक्षा दे करके और सनातन के विरुद्ध शिक्षा दे करके बरगलाया जा रहा था। और आज भी बैंक कॉलोनी स्थित हमारे हिंदू परिवारों में सनातन के विरुद्ध शिक्षा दी जा रही थी, जिसको हमारे स्वयंसेवकों ने मौके पर पकड़ा और आज इस थाने में आकर के उनके सभी जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे, लैपटॉप था, जो भी जिस सामग्री के द्वारा वे धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास कर रहे थे वो सब आज थाने में जमा करवाई है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मटेरियल ऐसा प्रोवाइड हुआ है जो कि धर्म के विरुद्ध था, लैपटॉप्स में कुछ जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है जो सिखाई जा रही थी? कुछ ऐसी वीडियोस हैं उसमें जो प्रशासन के पास हैं और उसमें कुछ लिटरेचर थे जिसमें ये लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजन करना समाज के लिए ठीक नहीं है और मूर्ति पूजन करने से नरक में जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें जिससे आम जो छोटे तबके का व्यक्ति है या जिनको बरगलाया जा सकता है उनको ऐसे माध्यम से बरगला करके धर्म परिवर्तन किया जाए, ऐसा प्रयास चल रहा था। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज का जो मामला था बेहद ही संवेदनशील है, अगर इस प्रकार के कार्य होते रहे तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल चिन्ह जो है समाज पर खड़ा होना लाजमी बनता है। मेरा एक प्रश्न है जी कि किसी के घर में चोरी हो रही हो, वो बोले भी ना कि मेरे घर में चोरी हो रही हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? हम हिंदू समाज के लोग हैं और हमारे घर में चोरी हो रही है, चोर बड़ा शरारती है, बड़ा खतरनाक है, उसके पास पैसा भी है, चोर के पास उसके पास दिमाग भी है, और हमारे समाज का जो ऐसा जहाँ तक सरकार से सहयोग नहीं कर पाती जिन परिवारों का, या तो हम हिंदू समाज भी उनका सहयोग नहीं कर पाते, तो उन स्थानों पर ये लोग जाते हैं और उनको बहला करके फुसला करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। दिक्कत की बात यह है कि मैंने किसी महात्मा जी के मुंह से एक बात सुनी थी कि जब एक आदमी एक क्रिश्चियन बनता है तो वो क्रिश्चियन नहीं बनता, वो पूरा देश और समाज विरोधी होता है। आज हम वहाँ गए, वहाँ ना कोई भारत माता से उनको लेना देना है, ना उनको अपने समाज से कोई लेना देना है। और अभी आदरणीय SHO साहब से निवेदन किया हमने कि भाई इनके पास जो सामग्री है ज़रा चेक तो करो आप। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने हमारे मोबाइल हैं, हमारे किसी के पास लिखा हो कि इशू फलाना है, इशू ढिमकाना है, हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उनका विरोध उनको परिवर्तित नहीं करना है। लेकिन आप स्वयं मीडिया के लोग प्रशासन से बात करके उनका लैपटॉप लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है भाई मूर्ति पूजा करने वाले, प्रकृति की पूजा करने वाले। अरे चलो एक बार आप मूर्ति को, चलो आपके अंदर इतनी दिक्कत है, प्रकृति के लिए तो दुनिया लड़ रही है जी। उसमें ये भी लिखा है कि प्राकृतिक रूप प्रकृति की पूजा करने वाले ये सब नरक में जाएंगे, तो सत्यानाश हो जाएगा पर्यावरण का जी। कुछ लुभावने वादे देते हैं कि आप इस धर्म में आएंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें दी जाएंगी, क्या कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आई थी शास्त्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में क्या है, क्रिश्चियनिटी में सेवा खाली एक बात है। अगर इतने बड़े सेवा करने वाले हैं तो दक्षिणी अफ्रीका के जितने भी देश हैं सबके सब भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं, वहाँ इतनी बदतर स्थिति है, ये वहाँ क्यों नहीं जाते? अगर सेवा की ही बात है
दूसरा ये एक बहुत एक क्रिश्चियन तब तक उस परिवार का हितैषी है जब तक वो क्रिश्चियन नहीं बन रहा है, और क्रिश्चियन बनने के बाद में उस परिवार का खूब अच्छे से उपभोग होता है, उसके धन का उपभोग होता है, और उसके बाद उनका कोई उनसे लेना देना है नहीं। सेवा वगैरह तो खाली बहाना है, सेवा तो हम करते हैं हमारे यहाँ। मैं स्वयं अपने, आपने किसी क्रिश्चियन चर्च ने यहाँ देखा इस बार? आप तो मीडिया के लोग हैं अंकित जी, आपने सुना हो कि भाई चर्च से कोई वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, किसी ने सुना? ना जी ना, कहीं ऐसी बात हुई हो? तो इसलिए कृपया अगर इनको सेवा ही करनी है, अच्छी बात है, लेकिन सेवा का मतलब ये कैसे हो गया कि मैं आपकी सेवा करूंगा, आप धर्म परिवर्तित करिए। हमारे यहाँ अभी एक राशन बांटते हैं कटोच, उन्होंने वहाँ कोई बोर्ड लगाया हुआ है कि आप हिंदू बन जाइए तब आपको राशन मिलेगा? कोई बोर्ड नहीं लगा। गुरुद्वारे में जाइए आप बूढ़िया, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है क्या? कितने लोगों को उन्होंने सिख बनाया? हमारे मंदिरों में भंडारे लगते हैं, कितने लोगों को हमने क्रिश्चियन से हिंदू बनाया? इसलिए माफ़ करें, बहुत भयंकर बात है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, ये 10:30 बज रहे हैं, हिंदू सो गया था देश का, लेकिन 11 बजे जाग रहा है। इनके जागने का मतलब इनके जागने से ही सब सो पाएंगे इस देश में। अगर मुस्लिम और जो क्रिश्चियन बन गए वो सब अगर सो पाएंगे तो हिंदुओं के जागने से ही जाग पाएंगे। इसलिए ये जाग गए हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज यहाँ जो एक क्रिश्चियन बैठा हुआ है अंदर, जो पादरी बैठा हुआ है, आप आश्चर्यचकित होंगे, आज मेरी आत्मा को बड़ा दुख है। ये सूरज, उसकी बेटी का धर्म परिवर्तित कर दिया, और वो बेटी आज अपने बाप पर चढ़ चढ़ के आ रही थी, प्रयास किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सूरज को? तो सूरज, ये सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं हो रहा, हमारे बेटी का धर्म परिवर्तन कर दिया है जी। ठीक है जी, अब मेरा दिल कितना रो रहा होगा सर। शिखा तो आपने भी रखी हुई है पीछे, मैंने देखा अभी। भाई हां, शिखा है, शिखा है, जुड़ी चुमा हिंदू है, हिंदू धर्म का हिंदू करके। हां जी, ये देखो, हेलो। तो बच्ची की शादी हुई हुई थी? बच्ची की शादी करी हुई जी, मैंने हिंदुओं में ही करी है जी। अच्छा, तो अब फिर कैसे उनको जी, साल दो साल वो सास ससुर में सुखी नहीं थी सर, तो उसको मेरे यहाँ आ गई जी। मैंने उसको साल दो साल बिठाया, अपने घर बिठाया। ठीक है जी, फिर मेरे पड़ोसी जो मेरे रिश्तेदार थे, जो क्रिश्चियन थे, कुछ क्रिश्चियन बन चुके हैं, वो क्रिश्चियन को याद करते हैं रात दिन। हाँ जी, रात दिन उनको यश मांगते, वो शनि महाराज का है। ठीक है जी, गुण वो यीशु का गाते हैं, रात दिन गाते हैं, जिसकी ढोली ढोलकियाँ बजाते हैं, मंजीरे गाते हैं वो। ठीक है जी, उसके गाने भजन करते हैं वो, शनि महाराज का, देवी देवता को कुछ उनसे उनका लेना देना नहीं है, सिर्फ सिवाय शनिवार के। मंदिर वाली बात है ना जी, मंदिर बना रहे हैं, जो मंदिर मैं बना रहा था जी, मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं वो हमारा, और मेरे को गालियां दी उन्होंने। ईंटों वाला क्या रहा, ईंटें मारी गई? ईंटें ने सर, इस तरह ने ईंटें उन्होंने चकी मेरे ऊपर। अच्छा, ठीक है सर, और मेरे वो सीटा देखो, मेरी चप्पल भी उतर गई है सर, ये देखो, मेरे को घसीटा उन्होंने। ठीक है सर, और मेरा कुदरती ये आगे मेरे संघ के बंदे जो इन्होंने मेरे को बचा लिया सर। तो ये लगभग कितने दिन से चल रहा था ये? ये सर कई सालों से ही चल रहा है सर। अच्छा, हाँ जी सर, आपकी बेटी का ये भी कहना है कि 3 वर्ष पहले मेरी माता जी गुजर जाती हैं, उसके बाद जो है मेरा विश्वास भगवान से उठ जाता है, और तभी मैं जो है धर्म परिवर्तन कर लेती हूं। बहन जी, जितने तुम्हारे आपके पिताजी का धर्म जो विश्वास नहीं उठा है, आपका विश्वास कैसे उठ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप कुछ देखना चाहेंगे कि तमाम सर, एक छोटा सा हमारे को एक बैंक कॉलोनी में जान का क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही है? देखिए, बैंक कॉलोनी में कुछ ऐसे परिवार हैं जो परिवार रोजमर्रा की दिहाड़ी लगाने वाले हैं, और रोजमर्रा वे सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, ऐसे परिवारों को ये टारगेट बना रहे हैं, तबका जो ऐसा है। और दूसरी बात, एक और जो चीज, ये सिर्फ धर्म परिवर्तन से ही देखकर हम इसको ना ले। आज हमारे शहर के अंदर नशा वो चरम सीमा पर चल रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, आज हमारे नौजवानों को ऐसे ऐसे नशे के अंदर डाला जा रहा है, जिस नशे के माध्यम से हमारे नौजवान अपनी पूरी जवानी को बर्बाद करते जा रहे हैं। आज हमारा नौजवान पुलिस में जाने के लायक, सेना में जाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ये षड्यंत्रकारी लोग हमारे नौजवानों को तरह तरह के नशे और तरह तरह की दुव्यसनों के बीच में इनको लगाते जा रहे हैं। और आज ये अलग अलग बिंदु हैं जो धर्म परिवर्तन के साथ जुड़े हुए हैं।
उसका रीजन होता हूँ, 3 महीने पहले भी ऐसी कुछ केस हुआ था जो आज तक पेंडिंग है। सुनो मेरी बात, सब कुछ सारे सबूत प्रशासन को दिए गए थे उस टाइम भी, पर आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है जी। और अब ये दोबारा बैंक लोन से आया है तो 3 महीने दोबारा नहीं होती कार्रवाई। जब हमारे एरिया में कोई कार्रवाई नहीं होने की तो केस तो बढ़ेंगे भाई, तो इसकी कार्रवाई तो पुलिस को करनी चाहिए ना, या फिर हमारे हाथों में जाम कर लेंगे। अभी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे ही हुआ था, सब कुछ हुआ था, सारे बकायदा लैपटॉप वगैरह सारे वहां दिए गए थे प्रशासन को, पर वहां आज तक कोई कार्रवाई नहीं है जी। और अब ये दोबारा हो गया तो इसका मतलब ये है ना कि हमें प्रशासन को छोड़ के अपने हाथ में लेना पड़ेगा ना, ठीक है जी, लेना पड़ेगा तभी काम चलेगा। आप लोग देख सकते हैं तमाम उन्होंने तथ्य बताए हैं, जिन तथ्यों पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन जो करवाया जा रहा है, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। बंद करो नशे का व्यापार, बंद करो। नमस्कार जी, हमारे पास अभी कंप्लेंट आई, सूरज प्रकाश शर्मा जी ने कंप्लेंट दी है कि मैं मेरे घर के नज़दीक मंदिर बना रहा हूँ महाकालेश्वर नाम से, जो उसके सामने कर्ण पुत्र केवल राम रहता है, उसके घर में आज पादरी है जो हिंदू धर्म के खिलाफ ईसाई बनाने के लिए गरीब बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाकर प्रचार करते हैं जी। और आज भी हमने उसको पकड़ा था उनके घर में जाके, जो हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहा था लोगों को और ईसाई बनने के लिए मजबूर कर रहा था लालचवश जी। तो हमारे पास अभी कंप्लेंट आई है, हमने मुकदमा दर्ज करने लग रहे, तफ्तीश जारी है, जैसी भी तफ्तीश आगे चलेगी। सर कुछ मटेरियल भी ऐसा पाया जो हिंदू धर्म के विरुद्ध था, लोगों का कहना है? हाँ, हमारे को एक लैप टैब मिला है, उसको चेक करवाने के लिए लेबोरेटरी में भेजेंगे, जैसे उसमें आएगा वो बताएंगे, लेबोरेटरी वाले बताएंगे। सर गांधीनगर में ही ऐसे मामले जो हैं सामने आए थे 4 महीने पहले भी, एक उसमें हमने गिरफ्तारी कर दी थी 4 लोगों की जी। और उसका चलान बना दिया है, आगे कोर्ट जो माननीय अदालत जो फैसला करेगी वो 295A और 298A और 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज। सर लड़की के भी बयान दर्ज करे जाएंगे? हाँ, लड़की सभी को सामने तफ्तीश किया जाएगा जिस जिसका नाम है। कोई शिकायत दी गई है सर? अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं प्राप्त हुई, जब भी कंप्लेंट प्राप्त होगी आगे कार्रवाई करेंगे। तो दूसरा पक्ष जो है बातचीत करने से मना कर रहा है, और जानकारी जो प्राप्त हुई पा रही है कि जानकारी प्राप्त करने की बातचीत की गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो है बातचीत नहीं की जा रही है। तो ये आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इस समय मौजूद हैं हम लोग गांधीनगर थाने में, जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है, जिसको लेकर एक और हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हो जाते हैं गांधीनगर थाने में, और यहाँ पर जो है बातचीत करने का प्रयास चल रहा है। तो आप लोग तस्वीरों में ये महिला देख रहे हैं जिनके पिता ने इन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। क्या कुछ मामला है आप सभी को बता दें, इस समय मौजूद हैं गांधीनगर के थाने के बाहर, और ये महिला है, इन पर इनके पिता ने आरोप लगाया कि इसका जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया गया है। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी क्या कुछ कहना चाहेंगी, पिता ने आप पर आरोप लगाया है कि? मेरे पापा तो जब से मम्मी गुजरी है ऐसे ही है, उनका हाई बीपी हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं, और जब उनका बीपी ठीक हो जाता है जब वो ठीक हो जाते हैं। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारे घर पास्टर आए थे, हमने बुलाया था, इनके घर आए थे, हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारे देखिए घर प्रे हो रही थी, ये सभी आगे पास्टर को एकदम से खींचा मारने पीटने लग गए। ये कहाँ का धर्म है? जब ये जनानियों को मार रहे थे जब ये कहाँ गए थे? जब ये पुलिस वाले भी कहाँ गए थे? इतने 50 बंदे थे, हम जनानियां क्या कर सकते हैं? मैडम उनका कहना है कि जन्म से तो आप हिंदू हैं लेकिन अब आपको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? जब परमेश्वर में सब कुछ मिल रहा है, हमें आशीष में बढ़ रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से बने, हमें किसी ने बनाया नहीं है, कोई हमें धर्म चेंज नहीं कर सकता। मेरा खून भी वैसा है, इनका हिंदू का भी खून वैसा है, मसीह का भी ऐसा ही है, ये खून में तो है, उनका ठप्पा तो नहीं लगा हुआ कि हिंदू है वो, कि हम मसीह हैं, भगवान तो एक ही है, रूप अलग है उनके। आपके घर आए थे पास्टर? हाँ जी, हमारे पास्टर के पास से लैपटॉप मिला है जिसमें कि लिखा गया मूर्ति पूजन का खंडन कीजिए। नहीं, वो कुछ नहीं कहते हमारे को, वो कुछ नहीं कहते हमारे को, वो कभी नहीं कहते कि तुम उसको मानो, हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं। और ये जो पूजा करते हैं ना, ये है तो हमारे को
उसको बैठे हुए को कुर्सी से उठा के मारा, इतनी तक लाश से खींच के ले गए। तीन लेडीज उसके ऊपर पास्टर के ऊपर मतबल गिरी तो जाके फिर बचाई। हमारे बच्चे ये चूल्हा जल रहा था, हमारे बच्चे कुछ हो जाता तो कौन बचाता, ये बचाते हमारे बाप। अब हमारी लड़कियाँ बैठी घर पे पीछे जवान, तो उनको कह के जा रहे हैं बम घेर के जाएंगे तो गोलियां घेर के जाएंगे आपके घर पे आके। इन्होंने बोला कि हम बम डालेंगे आपके घर और ताले लगाएंगे। इन्होंने बोले है ये गणपति वाला लड़का है, ये सबसे ज्यादा तेज है, ये गणपति वाला सबको लेके आता है, जिनके घर गणपति की मूर्ति लगती है ये गणपति वाला सबसे ज्यादा है। पापा को भी यही सब कुछ कहता है, और पापा का हाई बीपी होता है जब भी आता है ये, वैसे नहीं आता कभी भी। जब पापा का बीपी हाई हो जाता ना जब ही आता ये गणपति वाला सभी को लेकर। हमारा पीर भी तोड़वा दिया, पापा का टाइम का पीर था मेरे दादू परदादों का, वो भी पीर तोड़वा दिया। ये हमारी जगह भी लेने चाहते हैं, ये जगह पे आप मंदिर बना के अपना कब्जा करेंगे। मदद तो कुछ करते नहीं, कहाँ से ये पंडित बन रखे हैं, मदद तो कुछ करते नहीं है ये। कौन आपको मदद करता है ना कुछ, ये कह रहे वोट दो फलाना करो ढिंकड़ा दो, ये लालच देते हैं वोट लेने आते हैं जब भी है। है कि जिस तरीके से हमारा कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है, अब तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इस तरीके से जो माहौल है कहीं ना कहीं गर्मा गर्म का माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप मुझ संयम को तो आप सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक संवेदनशील मामला गांधीनगर चौकी से सामने आया, मुझ स्वयं को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 24 के साथ। नमस्कार।